हाय गाइज, मैं राजवीर आपके लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना लिंक्डइन अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हो या फिर कुछ टाइम के लिए उसे डिसेबल कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है जिसे आप फॉलो करके अपना अकाउंट या तो परमानेंटली डिलीट कर सकते हो या फिर कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर सकते हो। आफ्टर दैट फिर आप उसे एक्टिव भी करवा सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मी, और मी पे जैसे आप क्लिक करोगे या फिर कह सकते हो प्रोफाइल आइकन आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी के बटन पे। एंड इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे अकाउंट प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट मैनेजमेंट, हाइबरनेट अकाउंट एंड क्लोज अकाउंट। तो हाइबरनेट अकाउंट क्या होता है एंड क्लोज अकाउंट क्या होता है? सो हाइबरनेट अकाउंट वो होते हैं कि लाइक अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक आप इसे एक्टिवेट ना करवाना चाहो तब तक ये आपका अकाउंट जो है डिसेबल रहेगा, किसी भी वर्क का नहीं रहेगा। और वहीं पे अगर यहाँ पे हम देखें तो नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्लोज अकाउंट। इस पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट परमानेंटली क्लोज करवा सकते हो। सो ये दोनों फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है अकाउंट प्रेफरेंस में। तो यहाँ पे अगर आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको लगता है कि आपको इस अकाउंट को अभी यूज़ नहीं करना है और बाद में काफ़ी टाइम बाद यूज़ करना है, तो आप इसे हाइबरनेट अकाउंट पे डाल के छोड़ सकते हो। एंड जब आपको लगे कि इस अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करना है तो आप दोबारा से यहीं पे अकाउंट प्रेफरेंस के ऑप्शन पे आके इसे एक्टिवेट करवा सकते हो। सो इस तरीके से आप अपना लिंक्डइन अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवा सकते हो एंड परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड यहाँ पे आपने ज़रूर सीखा होगा कि आप अपना अकाउंट डिलीट या फिर डिसेबल कैसे कर सकते हो।